केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार 16 सितंबर को बिहार आ रहे, इस दौरान मधुबनी जिले के झंझारपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह के बिहार दौरे पर आने से राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी अमित शाह के बिहार दौरे को लेकर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अमित शाह बिहार एक दिन के लिए आए या 365 दिन वहीं रहे, इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होने वाला। अमित शाह के बिहार आने से फायदा इंडिया गठबंधन को ही होगा। वो हर महीने आए, आ ही रहे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब गृह मंत्री जो है 365 दिन भी साल के वहां रहेंगे तो हम ही लोग को फायदा होने वाला है। और दूसरा ये बात दिखाता कि कितने डरे हुए हैं, तो डर है लेकिन अच्छी बात है। इसी बहाने पार्टी के काम से कम बिहार आ रहे हैं, लेकिन जो बिहार को देना चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज या विकास के मुद्दे हैं, एक बार भी कहाँ आते हैं अमित शाह जी।